हाय व्यूवर्स, हिस्ट्री टू व्यू डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट पर आधार कार्ड का एड्रेस कैसे बदलते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना होता है। जब आपको आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो किस तरह से आप इंटरनेट पर आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करेंगे, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाना है, जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा हो। मैंने अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने क्रोम को खोल दिया है। अब यहाँ पर आपको लिखना है resident.uidi। ओके, ये देखिए, ये आपको लिखना है। इसके बाद सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंट डॉट पोर्टल का जो ये फर्स्ट लिंक है, ये इसकी होम पेज है। और ये आप देख रहे हैं थोड़े लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें या इसकी मेन वेबसाइट को खोलें। और मेन वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट डाटा, इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अपडेट आधार डाटा, इस पर क्लिक करें। ये देखिए, ये आपका फॉर्म है, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर, ये भी ओपन हो जाएगा। कि देखिए, ये आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल करके आएगा और ये कह रहा है कि एंटर योर आधार नंबर, जिस आधार कार्ड का आपको एड्रेस चेंज करना है उसका यहाँ पे आप नंबर डालेंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक कोड डालना है जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। देखिए, यू विल रिसीव वन टाइम पासवर्ड ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर। जो इस आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा जो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देखिए, मेरे मोबाइल पर जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इस आधार कार्ड पर, उसको जो पासवर्ड है वो मुझे मिला है 55 26 06। और मैं इसे यहाँ पे आपको ओटीपी पासवर्ड डालना है जो आपको मोबाइल नंबर पर मिलेगा। और ध्यान रहे कि ये पासवर्ड उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो इस आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड होगा। देखिए, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए ये कह रहा है कि लोकल लैंग्वेज हिंदी। देखिए, यहाँ पे आपको चूज़ करना है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको यहाँ पे चेंज करनी हो। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुझे एड्रेस चेंज करना है तो मैं एड्रेस को चूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दूँगा। और यदि आपको कुछ और भी चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करनी है मुझे, ये भी मैंने चेंज करने के लिए डाल दिए। ये अभी खुल करके आ जाएगा। ये देखिए, आपके सामने फॉर्म खुल करके आ गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको डालना है वो जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दे पूरी तरह से। मैं यहाँ पे डालता हूँ मोहम्मद नसीम,
उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पे आपको स्ट्रीट जो गली नंबर है वो डाल दें, या छोड़ भी सकते हैं, आप ही छोड़ दें आप इसे। लैंडमार्क स्थान का चिन्ह कोई नहीं डालना आप यहाँ पे, जो आपका कोई हो गली नंबर जो भी है वो डाल दीजिए, मेरा नहीं है मैं नहीं डाल रहा हूँ, जो भी जो है वो डाल देता हूँ ना। देखिए यहाँ पे डालने के बाद पिन कोड जो भी है वो डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको गांव जो भी आपका शहर हो वो चूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए हमारा गांव का नाम ये है, यहाँ पे चूज़ कर लें, आपके गांव का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही आप कोड डालेंगे पिन कोड। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे चूज़ कर लें, ये देखिए ये जो डाटा है ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। देखिए मोबाइल नंबर जो आपको यहाँ पे डालना है अपना वो डाल दीजिए, चेंज हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर यदि आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, ओके ये देखिए। अब एक बार आप डाटा को चेक कर लें, ये वाइफ ऑफ है, ये यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए निर्माण जो हाउस का नंबर है और स्ट्रीट गली नंबर जो हो डाल दीजिए। देखिए मेरा लगभग सब कुछ सही है, मैं यहाँ से सबमिट अपडेट पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये हमारा जो अब नए आधार कार्ड पर एड्रेस निकल करके आएगा, छप करके आएगा, वो ये होगा, ओके। और उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म पर ये जो डायलॉग बॉक्स दिया है इसे चेक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल अटैच करनी है। ये फाइल इसलिए अटैच करनी है क्योंकि उन्हें वेरीफाई करना है कि क्या जो आदमी डाटा को चेंज कर रहा है, एड्रेस को चेंज कर रहा है, वो सही है या गलत है। इसलिए आपको एक यहाँ पर फाइल को चूज़ करना होगा, ये तो आपका वो पासपोर्ट हो, ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके आधार पर आप अपना आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो आपके पास हो यहाँ से चूज़ कर लें। मेरे पास जो भी चूज़ कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास में कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मैंने चूज़ किया, और उसके बाद यहाँ पे फाइल को चूज़ करना है, डेस्कटॉप पर मेरी फाइल है। देखिए फाइल अपलोड हो रही है, देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फाइल अपलोड हो गई है।
अब यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, कोई दूसरी फाइल जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रिमूव पर क्लिक करके दूसरी फाइल अटैच कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, इसे आप पढ़ने के बाद और इसे यस कर दें। यहाँ पर किसी एक को चूज कर ले और सबमिट कर दे। देखिए क्या है, अपडेट रिक्वेस्ट कंप्लीट, योर अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड 27 मई 2016, योर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। देखिए हमारे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, आप चाहे तो इसे नोट कर लें। ठीक है, और ये इसे प्रिंट कर लें या फिर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लेता हूँ इस फाइल को। देखिए मेरी फाइल डाउनलोड होने लगी है, फ्यूचर में ये मेरी यूज़फुल होगी। जब मैं आधार कार्ड को डाउनलोड करूँगा तब मुझे ये यूज होगी, इसका यूज होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है एड्रेस चेंज होने में तब भी इसका हम यूज करेंगे। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड का डाटा, वो मोबाइल नंबर भी हो सकता है या ईमेल आईडी है या नाम या डेट ऑफ बर्थ, इनमें से किसी को भी चेंज कर सकते हैं।